भाइयों को केनन रोधी की ओर से राम राम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है जी आप सब भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल केनन रोधी डेयरी फार्म पर। और आज की वीडियो कवर करें जी गांव सुदगन खुरुस से और जिला जींद के अंदर से, और अपना छोटा भाई भाई साहिल और जो इनके फादर साहब पशुओं का काम करते सेल परचेज का। और आज कैमरे के सामने देख पा रहे जी सुपर स्टार, और बात करें मिल्क लाइन की तो शानदार एक अद्भुत मुरा का नया नगीने। इसकी जो ज़्यादा जानकारी भाई तो लेंगे तो सभी भाई अंत तक जरूर बने रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो छोटे भाई राम राम। राम राम भाई, वो ठीक हो? हाँ ठीक है। अभी काम धंधा किसा चल रहा? बढ़िया चल रहा। अच्छा, तो यह भैंस कौन से ब्यांत की है? तीसरा ब्यांत की है। तीसरे ब्यांत की जी, ब्याई कब है? आज सुबह ब्याई है। आज सुबह। नीचे क्या कटड़ा कटड़ी? कटड़ा नीचे जी कटड़ा। तो खीस वगैरह क्या कुछ निकाल दिया? चार पाँच किलो खीस निकाल दिया। चार से पाँच किलो खीस निकाल दिया। और धार दूर होगी? बढ़िया, बिल्कुल फोकी। और बात करें अडर क्वालिटी, जो थनों की क्वालिटी देख सकते हो, बिल्कुल मोटा थना मजबूत जिसने बोले कर। एक थोड़ा सा भैंस में नुकसान हुआ भाई, सींग का थोड़ा खर्चा, यू कुकर उतर गया इसका। अच्छा, जब आप खरीद के लेने हुए था तो ठीक है जी। फूल बारी बरकम। और बात करें पुट्ठे की चौड़ाई, जो कि आप सुस्पष्ट देख सकते हैं जी, बिल्कुल शानदार है। और आर्डर पूरा लंबा आर्डर, जिसने आगे सुंडी से लेके पीछे सांचे तक का चलन थे थोड़ी। और ये देख सकते हो जी रोब वगैरह बहुत शानदार। पीछे से देखे तो बिल्कुल ओरिजिनल झोटी लगा, आगे से देखे तो नू लगा भाई तीसरे ब्यांत की भैंस होगी, लेकिन भाई ने जो जानकारी दिया वो तीसरे ब्यांत की ही दी है। तो साल में दूसरे ब्यांत में दूध कितना निकाला हुआ? 18 किलो। तो इस ब्यांत में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? 20 से ऊपर ऊपर की। और जो अडर क्वालिटी भैंस के लगी हुई तो भाई A1। रोक ले ऊपर बच्चे पर ले आओ, थोड़ी अंदर भैंस है उस करके थोड़ी तड़ाई हो रही है। बाकी साह काली देख सकते हो, बिल्कुल कति जमन वर्गी। और पुट्ठे की चौड़ाई, जो कि इतनी हाइट लमेट लेने के बाद भी पशुधन में कोई लेद वगैरह नहीं है। और थोड़ा हाँ वैसे एक नुकसान होता जो सींग के कारण, लेकिन अडर क्वालिटी भाई A1। थोड़ा आप भाइयों को दिखाना भी चाहूँगा, बिल्कुल मोटा थाना मजबूत, जो एक दूसरे तीसरे ब्यांत की ओरिजिनल जो 20 किलो दूध वाली भैंस है उसका अनुग्रह जरूरी भी है। क्योंकि देखो अडर चाहे कम हो, लेकिन जो थनिया होगा उस पर डिपेंड करता है, जितना मोटा और बढ़िया थनिया होगा उसे उतना ही बढ़िया दूध निकालने की उम्मीद कर सकते हैं। तो साहिल भाई कीमत वगैरह? मौके पे जी। तो अपना मोबाइल नंबर है? हाँ ठीक है जी। इनका जो मोबाइल नंबर है लगातार वीडियो के अंदर चल रहा है, गाँव इनका सुदगन खुरुद तहसील उचाना और जिला जी जींद। ठीक है, एक बार वो भैंस को चलने दो और वीडियो फिनिश करते, थोड़ी और चलने दो जी। बाकी भैंस देख सकते हो जी आप शानदार। और कीमत भाई ने कहा जो कि आप मौके पे लगातार मोबाइल नंबर इनका जो वीडियो में चल रहा है आप इनसे बात कर सकते। ठीक है साहिल भाई, और बांध दो और धार दूर होगी, आप अपनी तसल्ली भी कर सकते। बाकी जो अडर क्वालिटी उसके हिसाब से A1 हजार पीसा निकले बीगा। किसान भाइयों, अगर आपका पशु समय पर नया नहाता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 80595 37000 पर संपर्क करें।